क्या यही है योगी का अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश? बहन बेटियों से लगातार हो रही है बर्बरता, क्या यही है मोदी जी का विकास? आखिर सरकार का षड्यंत्र देश के सामने आ ही गया। चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए सरकार में बैठे ऐसे नेताओं को। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनताबाद। आज सत्ता पक्ष नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए 8 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था की दुहाई देते नहीं थकते। इसी बीच उत्तर प्रदेश से लगातार एक के बाद एक बीभत्स कर देने वाली खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हां साथियों, उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे पूरे भाजपा कुनवे के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असली चेहरा जनता के सामने आ ही गया है। खबर मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर की है। जी हां साथियों, गोरखपुर के गुलरिहा एरिया की एक किशोरी के अपहरण की घटना सामने आई है। दुष्कर्म का केस वापस न लेने पर जमानत पर छूटे आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय पहले हाईकोर्ट से जमानत पर मुख्य आरोपी गोलू रिहा होकर आया। आरोपी दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद था। पीड़िता की मां का आरोप है कि बाहर आने के बाद आरोपी केस को सुलह करने का दबाव बनाने लगा। उसकी धमकी से डरकर बेटी को रिश्तेदारी में भेज दिया। इसके बाद 19 मई को आरोपी किशोरी का अपहरण कर फरार हो गया। हालांकि अपहरण के इस मामले में पुलिस ने अब अपराधियों को पकड़कर जेल भेज दिया है, लेकिन लगातार पूरे देश सहित उत्तर प्रदेश से ऐसे तमाम मामले सामने आते रहते हैं। यह सरकार से सीधा सा सवाल है कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्या सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य बेटियों के साथ हैवानियत करना ही है? सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाती है? कहां है सरकार की एंटी रोमियो टीम? मुझे पता है कि सरकार के पास इन सभी सवालों के जवाब नहीं है, और होंगे भी कैसे? आखिर जिस देश प्रदेश में पुलिस ही बेटियों के साथ बर्बरता करती हो, पुलिस सरेआम सरकार के इशारे पर अपराधियों को संरक्षण देती हो, लेकिन इतना तो साफ है कि इस सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता समझ रही है। सरकार जिस प्रकार से पूरे देश में षड्यंत्र के तहत देश की जनता को गुमराह कर रही है, उसका बंडा भी धीरे धीरे फूट रहा है। और सरकार से आंखों में आंख डालकर जनता शिक्षा रोजगार सुरक्षा नौकरी जैसे जमीनी मुद्दों पर सवाल कर रही है। तो साथियों, आपको क्या लगता है आखिर देश के अंदर इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।